हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका हियर, अ होम बेकर. वेलकम टू प्रियाज मैजिकल किचन. हाउ आर यू? से हाय इन कमेंट. हेलो ऑल. से हाय. Say hi. Hello. Anyone live here? Yeah. Hi Rupali. Good evening. How are you? चलो फटाफट ज्वाइन कीजिए. हाय अंजना. आज हमारा डेरी मिल्क केक है, डेरी मिल्क चॉकलेट केक. हाय रिम्पी. सो वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक पहुंच सके. थोड़ा वेट करेंगे हम. एक्चुअली मैं 4:30 को आने वाली थी, बट मेरे ऑलरेडी केक के ऑर्डर थे, वो भी मैं आपको शो करती हूँ कि आज जो केक्स मैंने बनाए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. बस मुझे बताइए वॉइस क्लियर है एंड वीडियो क्लियर है. सो हम फिर स्टार्ट करेंगे. यस रूपाली, बहुत यम्मी है ये केक. सो एक्चुअली मुझे भी लेट हो गया है आज. 4:30 का टाइम बताया था, बट वही के केक्स के ऑर्डर्स थे, सो वो मैंने बनाया, इसलिए आज लेट हो गया. सो आप वीडियो को शेयर कीजिए. जो न्यू है मेरे पेज पे वो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए ताकि आपको और अपडेट्स मिलते रहे. सो इसके पहले मैंने लाइव सेशन में फज भी सिखाया था, रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई, इंस्टेंट मिठाई. देन कुकीज़ सिखाया था, होल वीट आटा कुकीज़. सो आप ट्राई कीजिए घर में. ओके, बहुत अच्छी बनती है और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है. जिन्होंने बनाया है फोटोज शेयर किए हैं, सो मुझे बहुत अच्छा लगा. आई वॉन्ट योर मैक्रोन क्लास. डियर रिम्पी, अभी मैक्रोन क्लास मतलब अभी सारे ऑनलाइन वर्कशॉप पे ऑफर चल रहा है, 19 तक 10% डिस्काउंट है. ओके, सो आप 19 तक कभी भी ज्वाइन कर सकते हो. कोई भी ऑनलाइन वर्कशॉप अगर बाय करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. और ये मेरे ऑनलाइन वर्कशॉप जो है 16+ ऑनलाइन वर्कशॉप है, एंड ऑफलाइन वर्कशॉप मेरे सिर्फ कामोठे में होते हैं, नवी मुंबई में. ओके, सो 29 अगस्त संडे को मेरा ऑफलाइन वर्कशॉप है कामोठे में. ओके, सो किसी को ज्वाइन करना है सो मुझे व्हाट्सअप कीजिए. उसमें भी काफ़ी सारे वेरिएशंस आएंगे, 10+ केक्स रहेंगे, 3 टाइप्स के बेकरी स्पॉन्ज रहेंगे, वनीला, चॉकलेट एंड रेड वेलवेट. ओके रूपाली जी, आई ट्राइड योर होल व्हीट कुकीज, कम आउट वेरी वेल, वेरी टेस्टी. थैंक यू डियर. और फज भी ट्राई कीजिए. फज आपको लगेगा काफ़ी स्वीट लगेगा, बट नहीं, वो कॉम्बिनेशन ड्राई फ्रूट्स के साथ बहुत अच्छा लगता है. सो ट्राई करना. ओके, सो और थोड़े लोगों को जुड़ने देते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. बेकिंग रिलेटेड कोई आपकी क्वेरीज है सो मुझे कमेंट में पूछिए. ओके,
शायद नोटिफिकेशन थोड़ा लेट जाता है, सो थोड़ा लेट पब्लिक ज्वाइन करती है। ओके मेरे लाइव सेशन लियो नेटवर्क पे भी होते हैं। ओके लियो नेटवर्क मेरा पेज नहीं है, किसी ने मुझे ऑफर किया है ये। सो एक सेशन मैं, अगर किसी का लाइव सेशन मेरा मेरे पेज का अगर छूट गया है, सो सेम लाइव सेशन मैं लियो नेटवर्क पे भी करती हूँ। ओके सो आप सेम रेसिपी रहेगी, ऐसा नहीं है क्योंकि जैसे मेरा सपोज फ्राइडे को अगर मैं मेरे पेज पे अगर लाइव आऊँगी तो फिर सैटरडे को वहाँ पे रहेगा, लियो नेटवर्क पे रहेगा। ओके हाय गौरिका, हाय नेहा। सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। डेरी मिल्क केक है, सो डेरी मिल्क केक के लिए आपको स्पॉन्ज लगेगा, चॉकलेट स्पॉन्ज। ओके देन यहाँ पे हमने डेरी मिल्क केक, डेरी मिल्क चॉकलेट जो थी, आप चाहे सिल्क लीजिए, डेरी मिल्क सिल्क लीजिए, या फिर आप डेरी मिल्क फ्रूट एंड नट लीजिए, आपको जो अच्छी लगे वो लीजिए। ओके इट इज नेसेसरी टू गिव लाइसेंस फॉर होम बेकर। गौरिका जी अभी क्या हुआ है ना, होम बेकर्स के लिए रजिस्ट्रेशन FSSAI रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे होम बेकर्स हुए हैं, काफ़ी लोग मतलब क्या है ना, साइड बिजनेस जैसे करते फूड का, है ना, ऐसा मतलब आगे चल के कोई दिक्कत ना आए, इसलिए ये आप रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। और वो अभी ऑनलाइन हो जाता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मैंने ही जस्ट अभी कराया था, लास्ट 10 days बिफोर मैंने कराया था। सो मेरा वो नंबर भी आ गया, उसका आईडी आ गया है, ठीक है। सो मतलब एक सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, बाकी कुछ नहीं। सो करोगे तो दैट्स बेटर, क्योंकि क्या है ना, हम जैसे केक बना रहे हैं, सो केक के साथ साथ हम कभी चॉकलेट्स भी बनाते हैं, कुकीज़ भी बनाते हैं, साथ साथ में काफ़ी सारा मतलब जॉइंट बिजनेस हो जाता है, फूड का ही है। सो ये ज़रूरी है FSSAI। ओके डेरी मिल्क चॉकलेट लिए है क्या आपने? यस डियर संजय जी, देखिए सीधी बात है, अगर आपको कस्टमर को वो टेस्ट देना है सो आपको वही लेना होगा जो आप बोल रहे हो। ओके ये जो डेरी मिल्क चॉकलेट है ब्रांड है, ऑब्वियसली इसका टेस्ट भी उतना ही रिच आएगा, सो आपको वही लेना है। ओके यहाँ पे मैंने डेरी मिल्क चॉकलेट के चंक्स लिए हैं, देन यहाँ पे हमने लिया है गनाश। ये गनाश जो बनाया है ये चॉकलेट से बनाया है। अभी कैसे बनाओगे, जैसे आप नॉर्मल चॉकलेट गनाश बनाते हो 2:1 का प्रोपोर्शन है सपोज, ठीक है, मतलब जैसे 100 ग्राम चॉकलेट है सो आप 50 ग्राम अमूल फ्रेश क्रीम ले सकते हो, कोई भी फ्रेश क्रीम आपको लेना है, घर का नहीं बाहर का ही, जो आप रेडीमेड यूज़ कर रहे हो वो चाहे तो वो कोई भी ब्रांड का चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो आपको 100 ग्राम लेना है चॉकलेट, ठीक है, देन 50 ग्राम लेना है फ्रेश क्रीम, दोनों को डबल बॉयलर पे मेल्ट कीजिए या फिर ओवन में माइक्रोवेव में करना है, 30-30 सेकंड का गैप देके करना है। ओके नेहा जी, मैम सिंपल कुकीज सिखाओ ना विदाउट विदाउट ओट्स, सिंपल कुकीज विदाउट ओट्स जैसे आपने लास्ट टाइम पढ़ाई थी। अच्छा नहीं समझी, ऐसी कुकी चाहिए जिसमें ओट्स नहीं है। हाँ सो मैंने एक व्हीट फ्लावर की बताई थी ना डियर, उसमें आप और वेरिएशंस कर सकते हो। ओट्स कुकीज भी बहुत अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है,
ओट्स कुकीज हेल्दी है, बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी लगती है। ओके, सो ऑफर 19 तक है ना, जो ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन वर्कशॉप के लिए जो ऑफर रखा था 10% डिस्काउंट, कोई भी आप ऑनलाइन वर्कशॉप बाय करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, 19 तक है, सो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। विच चॉकलेट यू हैव टेकन हेयर पर्टिकुलर, ऑब्वियसली डेरी मिल्क केक है तो आपको डेरी मिल्क चॉकलेट ही लेना है डियर। ओके, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल है। डेरी मिल्क चॉकलेट के चंक्स लेना है, चाहो तो आप फ्रूट एंड नट लीजिए या फिर आप सिल्क लीजिए। देन गनाश कैसे बनाना है जस्ट अभी मैंने बताया। चॉकलेट लेना है यहाँ पे, सिंपल मैंने डेरी मिल्क चॉकलेट लिया था 100 ग्राम, उसमें 50 ग्राम आपको अमूल फ्रेश क्रीम ऐड करना है। दोनों को आपको मेल्ट करना है डबल बॉयलर या फिर आप माइक्रोवेव में कीजिए, 30-30 सेकंड का गैप देखें। ओके, हाय पूनम। ओके, सो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे अभी देखिए, मैं कभी मिल्क भी यूज़ करती हूँ या फिर शुगर सिरप भी यूज़ करती हूँ या फिर सिंपल वाटर भी यूज़ करती हूँ। अभी तीनों का यूज़ करने का, जब आप यूज़ कर रहे हो, कभी आप मिल्क यूज़ कर रहे हो तो इसकी शेल्फ लाइफ कम रहती है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। सिंपल वाटर से सोक करोगे तो शेल्फ लाइफ ज़्यादा रहेगी। मिल्क वाले जो केक है वो आपको 2 डेज में फिनिश करने होते हैं, ठीक है, मतलब होममेड है तो 2-3 डेज, क्योंकि मिल्क का एक फिर अगर ज़्यादा दिन तक स्टोर करोगे तो वो स्मेल आने लगता है। ओके, सो आप अगर बेकरी में, अगर किसी की बेकरी है सपोज, ठीक है, सो आप सिर्फ सिंपल वाटर से सोक कीजिए ताकि वो केक जो है काफ़ी दिन तक अच्छे रहे। हाय खुशबू, यही है। और शुगर सिरप का भी वही है, शुगर सिरप, सिंपल सा शुगर सिरप बनाना है, वो स्वीटनेस को बैलेंस करता है। ये जो हमारे स्पॉन्ज है ये प्रॉपर स्क्रैच से बने हुए हैं। ओके, जो घर में हम बनाते हैं मैदे से वो बने हुए हैं। मेरा वाइट स्पॉन्ज भी प्रॉपर वाइट बनता है, ऐसा नहीं कि आप, और मेरी सिंपल रेसिपी है उसमें मैं ना मिल्क यूज़ करती हूँ, कंडेंस मिल्क यूज़ करती हूँ। सिंपल रेसिपी से मेरे बेकरी स्टाइल स्पॉन्ज में बनाती हूँ, सुपर सॉफ्ट, एकदम लाइट। एक वाले भी स्पॉन्ज जो है, मैंने इसके पहले भी जब मैं लाइव आती थी वहाँ पे भी मैंने शो किया है मेरे बेकरी स्टाइल स्पॉन्ज कैसे होते हैं। और मेन बात, अभी मैक्रून क्लास भी अवेलेबल है, 15 टाइप्स के फ्लेवर उसमें कवर है, डिफरेंट टाइप के एनिमल शेप्स है, देन हार्ट है, मतलब काफ़ी कुछ आपको वेरिएशंस मिलेगा मैक्रून्स में। उसकी भी फीस है 1600, तो उसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, ऑफर 19 तक है, 19 के बाद ये लागू नहीं रहेगा। ओके, सो मैक्रून भी बहुत इजीली बनते हैं, ऐसा नहीं है कि काफ़ी सारी फोल्डिंग टेक्निक्स है या वेदर का कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल वे से मैंने सिखाया है और ये सब लाइफ टाइम के लिए है। ओके, और कुछ भी क्वेरीज है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे मेरे सारे स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, सो मुझे कभी भी वो क्वेरीज पूछते हैं और मेरा 100% रिस्पॉन्स जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं कभी कॉल नहीं पिकअप करती हूँ, या अगर कभी नहीं किया मैंने पिकअप कॉल तो मैं कॉल बैक भी करती हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो अभी तक तो मेरे कोई स्टूडेंट की शिकायत नहीं आई है। निया जी, मैम गोल्डन डस्ट का के लिए उसमें इवेपोरेट्स डालना इम्पोर्टेंट है क्या? डिपेंड्स डियर, आप गोल्ड डस्ट किस पे यूज़ कर रहे हो? हाँ, फॉन्डेंट पे यूज़ कर रहे हो तो आपको इवेपोरेट्स डालने की ज़रूरत है, या सिंपल चॉकलेट पे यूज़ कर रहे हो तो ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप गोल्ड डस्ट कीजिए, हो जाएगा। हाय अंजुम, हाय पूजा, यस अर्चना, हाय, यस वेरी ट्रू मैम, रिस्पॉन्स एवरी टाइम, थैंक यू डियर, वही बोल रही हूँ, मेरे जो ऑनलाइन स्टूडेंट है, सो हो सकता है आप अभी लाइव देख रहे हो तो कमेंट में बोल सकते हो कि मेरा रिस्पॉन्स कैसा है ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। ओके, आरोही मैम, ये
बट बिल्कुल राइट है, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, आप कभी भी कॉल रिसीव नहीं कभी रिया कॉल रिसीव नहीं करते हो तो बाद में ज़रूर करते हो, राइट? यस पूजा, यस मैम, यू ऑलवेज रिप्लाई, थैंक यू डियर। क्योंकि देखिए, अब अगर आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो, ओके, कोई भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे हो या ऑफलाइन का क्लास ज्वाइन कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में सब सीख जाओगे, है ना? सो टीचर का गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ माइंड में नहीं रह पाती। तो ये क्वेरीज आप भी पूछते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप वो चीज़ ट्राई करते हो, कोई दिक्कत आई है तो मुझे पूछते हो, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। नेहा जी, मुझे जीओडी इफेक्ट पर करना है, तो आप डायरेक्टली यूज़ कीजिए डियर, डायरेक्टली यूज़ कीजिए डस्ट, ज़रूरी नहीं है उसमें इवेपोरिक्स डालना है, क्योंकि वो ऐसे ही हाँ। आप जीओडी कौन सा यूज़ कर रहे हो, मतलब आइसोमाल्ट से बना हुआ होगा तो आपको उसमें गोल्ड जेल कलर ऐड करना है, ओके? आरोही, अंजुम जी, मैम आपका वो साड़ी वाला के थीम ऑसम था, सुपर, थैंक यू डियर। यस सीमा, कैन आई सजेस्ट दैट द क्वेश्चन एंड आंसर शुड बी डन इन द एंड ऑफ सेशन, इट बिकम्स बोरिंग। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एक्चुअली मैं इसलिए रुकी थी क्योंकि और लोगों को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है? क्योंकि क्या होता है ना, बाद में फिर सेम क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे हमने लिया है चॉकलेट स्पॉन्ज, और आप मेरा लाइव सेशन बाद में भी देख सकते हो, सो ऐसा कुछ नहीं है कि ये डिलीट नहीं होगा। सो एज कंपेयर टू वनीला स्पॉन्ज, चॉकलेट स्पॉन्ज जो है थोड़ा ज़्यादा सोक करना होता है, क्योंकि ड्राई हो जाते हैं चॉकलेट स्पॉन्ज बिकॉज ऑफ कोकोवा, ओके? कोको पाउडर से थोड़े ड्राई होते हैं स्पॉन्ज, इसीलिए आपको थोड़ा ज़्यादा सोक करना है एज कंपेयर टू वनीला स्पॉन्ज। इसके ऊपर जस्ट मैं ये डेरी मिल्क चॉकलेट का जो गनाश है वो मैंने बनाया है, एकदम स्मूथ सिल्की है ये, किसी ने मुझे लास्ट टाइम पूछा था कि मैम आप डायरेक्टली स्पॉन्ज के ऊपर क्यों लगाते हो, है ना, क्रश या फिर चॉकलेट गनाश, राइट? सो सबका बनाने का तरीका जो है वो अलग होता है, ये मेरा तरीका है, मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ। वही है, मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ मेरे स्टाइल से, और लोगों को वही पसंद आता है, इसलिए मैं अपनी रेसिपीज कभी चेंज नहीं करती हूँ, मेरा स्टाइल मैं चेंज नहीं करती हूँ, मैं जो वे से मैं पहले से बनाते आई हूँ 6 साल से, सो मैं वही फॉलो करूँगी, ओके? सो इसके ऊपर लगेगा क्रीम, चाहो तो आप इसमें भी गनाश डाल सकते हो, योर चॉइस, बट मैं इसके ऊपर डेरी मिल्क चॉकलेट का गनाश जो है वैसे भी पोर करने वाली हूँ। हाँ, माइती ना
जोरा नहीं बोला था। फिर से हम इसके ऊपर गनाश पोर करेंगे। अभी इसमें आप वेरिएशंस कर सकते हो, इसमें आप ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, ड्राई फ्रूट्स ऐड करोगे तो डेरी मिल्क फ्रूट एंड नट बनेगा। तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए जो न्यू है, ताकि आपको और अपडेट्स मिलते रहें। अभी मेरा रेगुलर रहेगा ऑलमोस्ट थर्सडे नहीं सॉरी वेनसडे एंड सैटरडे, तो मोस्टली मैं आऊँगी ही लाइव देन नहीं शायद मंगलवार और ट्यूसडे एंड सैटरडे को लाइव सेशन रहेगा एंड वेनसडे को मेरा लियो नेटवर्क पे रहेगा। ओके सो यहाँ पे हमने डेरी मिल्क का गनाश डाल दिया है और इसके अंदर स्टफिंग में हम ऐड करेंगे डेरी मिल्क के चंक्स। आप जैसे चाहे इसे, उसके बाद मैंने कुछ मेरे पास सिलिकॉन मोल्ड है, जो छोटी छोटी डेरी मिल्क बनती है ना, वो मार्केट में नहीं मिलती है। सो मैंने क्या किया है, उसी को मेल्ट करके मोल्ड में पोर कर दिया। सो मिनी डेरी मिल्स के कुछ मैंने इस तरह से बनाए हैं। जस्ट डेरी मिल्क चॉकलेट का आपको मेल्ट करना है और मोल्ड में पोर करना है। और ऑब्वियसली इसका कॉस्ट भी उतना ही ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो बात सुन रखो मतलब पेरिस का है इतनी बात सुन रखो मैम आपने कितना चॉकलेट यूज किया? ये चंक्स बोल रहे हो कि गनाश में? दोनों भी बताओ। चंक्स में ये अपने हिसाब से है, मुझे थोड़ा भरा भरा चाहिए तो मुझे अच्छा लगता है, ताकि एवरी बाइट्स में वो चॉकलेट चंक्स लगे खाते वक्त। ओके सो ये मैंने अपने हिसाब से लिया है और गनाश मैंने 100 ग्राम का बनाया था, 100 ग्राम चॉकलेट एंड 50 ग्राम फ्रेश क्रीम। अंजुम जी मैम आपका तरीका बहुत बढ़िया है, थैंक यू डियर। फ्रीजर मत है। और एक बात, मैंने यहाँ पे जो स्पॉन्ज था कट करके ऊपर का हिस्सा जो है वो फ्रिज में रखा था, ताकि आइसिंग करते वक्त वो प्रॉपरली सेट हो जाए। ओके वक्रतुंड महाकाय सु पेरिस बताइए आप।
स्क्रॉल करके बताइए। नेहा बोल रही है कि लियो नेटवर्क पे आप वही रेसिपी रिपीट मत सिखाइए। नहीं डियर, फिर मैं मेरे पेज पे फिर मैं क्या करूँगी, है ना? सो मैं अल्टरनेट करूँगी, ऐसा नहीं। अंजुम खान जी ने पूछा है हाफ केजी का कितना देना चाहिए प्राइस? कौन सी केक का डियर? डेरी मिल्क 800 लीजिए, 700-800 तो लेना ही चाहिए, और अगर एक्स्ट्रा डेकोरेशन है तो आपको थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए, ठीक है? आप अच्छा अच्छी चीज़ दोगे कस्टमर को, दोबारा वो आपके पास ही आएगा। संजय जी पूछ रहे हैं प्राइस ऑफ दिस केक। ये केक है 800 रुपीस, ठीक है? लोकेशन के हिसाब से, आपके लोकेशन के हिसाब से आपको सेल करना है। मार्केट का प्राइस भी देख के आप सेल कर सकते हो, बट मैं कंपैरिजन नहीं करती बेकरी के केक्स और मेरे बनाए केक्स, क्योंकि हमारे केक्स होम बेकर्स के फ्रेश होते हैं। जयश्री पडवाल, विच केक इज दिस? दिस इज डेरी मिल्क चॉकलेट केक डियर, जस्ट क्रम्बल कोट कर रही हूँ। प्रीति मेयर वॉइस इज हाय। हाय। ओके, ये हो गया क्रम्बल कोट। क्रीम आना भेजा। यहाँ पे मैं ऑरेंज, लाइट ऑरेंज है, ओके, रेड एंड येलो मिक्स किया है, सो ये कलर बन गया। मैंने कैप्शन में भी लिखा है कौन सा केक है ये। Which cream are you using? Dear, देखिए आपको मैं बता रही हूँ कि आप जो भी क्रीम यूज़ कर रहे हो प्रीमियम क्वालिटी की क्रीम लीजिए, ठीक है, ताकि उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। मैं कौन सी यूज़ करती हूँ वो मैं एक्सपोज नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि आप अपने हिसाब से आपको जो टेस्ट अच्छा लगता है, जिसकी क्वालिटी आपको अच्छी लगती है वो आप यूज़ कीजिए। मार्केट में बहुत सारी क्रीम है जो अच्छी क्वालिटी की हैं, रिच हैं, रिच गोल्ड है,
वरती बघ, वरती आहे. प्रियंका जैन जी पूछ रहे, विच कलर डिड यू यूज? रेड एंड येलो. ओके, इक्वल प्रोपोर्शन में लीजिए. जैसे टू ड्रॉप्स हमने येलो अगर ऐड किया है, सेम टू थ्री ड्रॉप्स आपको रेड करना है. जितना गहरा रंग चाहिए ऑरेंज में, आपको कम ज़्यादा एडजस्ट करके करना है. प्रीति, प्रीति जी पूछ रही कौन सा केक बना रहे हैं? ये डेयरी मिल्क चॉकलेट केक है डियर. और एक बात, थोड़ा आप सतर्क रहिए क्योंकि हैकिंग बहुत चल रही है, थोड़ा डर मुझे भी रहता है. सो कभी किसी ने आपको मैसेंजर पे पेमेंट करने के लिए बोला, सो बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि मैं भी, मेरे अगर क्लास ज्वाइन करते हो तो मैं व्हाट्सएप पे कभी भी पेमेंट करने के लिए नहीं बोलती हूँ. सॉरी, व्हाट्सएप पे नहीं, मैसेंजर पे पेमेंट के लिए मैं कोई डिटेल्स नहीं सेंड करती. सिर्फ मेरा किसी ने अगर मुझे मैसेंजर पे मैसेज किया है, सो मैं वहाँ पे, मैंने नंबर ऐड किया है, सो आप नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए आपको अगर कोई भी डिटेल्स चाहिए रहती है तो. तिथे नाही दिसत उमेश.
साथ फ्रॉड भी हो सकता है, ओके, और ऐसे हुआ है। यस, रेड एंड येलो मिक्स किया है। यहाँ पे मैं एक पिक्चर बताऊंगी आपको। इस तरह से ट्रायंगल स्क्रैपर है, जस्ट हम वेव बनाएंगे। एक्चुअली कल मेरी एक फ्रेंड ने पूछा था मुझे ये डिज़ाइन किस तरह से बनाया जाता है, ओके, सो उसके लिए स्पेशली मैं दिखा रही हूँ। आपको दिख रहा है ये टेक्सचर? क्लोजअप में देखो, ये टेक्सचर दिख रहा है? इसके ऊपर हम अभी थोड़ा सा यहाँ से फिनिशिंग करना बाकी है। आज सो नेक्स्ट लाइव सेशन हो सकता है मैं कल भी लाइव आऊँ, ओके, जस्ट हम सिल्वर डस्ट यूज़ करेंगे ताकि ये टेक्सचर जो है एकदम उभर के आए। क्लोजअप में देगा, थोड़ा क्लोजअप में मैं शो कर रही हूँ, ठीक है। दिख रहा है आपको टेक्सचर? ये टीचिंग नाइसली, राजेश विजय, यू आर टीचिंग नाइसली, सो ऑल आर वॉचिंग सीरियसली एंड नॉट आस्किंग क्वेश्चन, थैंक यू सो मच डियर। स्टेंसिल स्केच दिखाओ लाइव में, श्योर नेहा जी, ओके, ये आपको टेक्सचर दिख रहा है ना? जस्ट मैंने वेव किया है, थोड़ा ब्राइटनेस की वजह से शायद नहीं दिख पाता है, बट मैंने क्या किया आपको तो थोड़ा आइडिया आया होगा। अभी हल्का हल्का हमें डस्ट करना है। ओके, इसका है ना? बस मेरा एक ही कहना है कि जब आप केक दे रहे हो सो अच्छा क्वालिटी का दीजिए, ओके। एक बार कस्टमर ने केक टेस्ट कर लिया तो दोबारा आपके पास ही आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन बोलते हैं, है ना? सो फर्स्ट टाइम में ही, और बार्गनिंग बिल्कुल मत करने दीजिए, मैं तो नहीं करवाती। ओके, देन हम थोड़ा डेकोरेशन करेंगे। नो सेल्स ऑफ ऑप्शन स्नेहा, यस, नहीं स्नेहा जी, मैंने अभी ऑन अच्छा अभी ज्वाइन किया आपने, सो कलर कौन सा है?
इसमें ऑरेंज कलर है डियर, इसमें मैंने रेड एंड येलो मिक्स किया है, ओके। नोजल बॉक्स रेड एंड येलो आपको इक्वल प्रोपोर्शन में डालना है, जैसे 1-2 ड्रॉप्स, अगर आप जितना गहरा रंग चाहिए उतना आप यूज़ कीजिए, बट एक ध्यान में रखना कि अगर ज़्यादा कलर होगा तो आपकी क्रीम लूज होगी, तो आपको जेल कलर ही यूज़ करना है यहाँ पे। ये नोजल मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, ये 2D है, सेम 1M का भी सेम रोजेट्स बनते हैं। मुझे यहाँ पे ये जो चॉकलेट है ये रखनी है, सो या फिर हम सिंपल वे से बना सकते हैं इसे। ओके, बाकी की कांड तो कम है, वाह छोटा केक कांड नहीं होता है। जो मैंने बनाए हैं आज 2 केक जो फ्रिज में है वो भी मैं आपको शो करती हूँ। ओके, एक रसमलाई की और एक है आधी की दाप होते ना। एक साइड में ही रखेंगे और दूसरी साइड में चॉकलेट। अभी सपोर्ट के लिए क्या करना है, थोड़ा सा हम मैं इसे इंसर्ट नहीं करूंगी, जस्ट मुझे रखना है, सो मैं पीछे से एक सपोर्ट दूंगी हल्का सा। ओके, इस तरह से आप सपोर्ट दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ब्रांड से आपको शो करती हूँ, वेट कीजिए 2 मिनट। और थोड़ा जो है एक मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, थोड़ा मैं इसे गोल्ड डस्ट करूंगी। हल्का हल्का सा हम करेंगे, देखो कितना प्रिटी लग रहा है।
ये हो गया हमारा डेरी मिल्क केक। और ये है रसमलाई केक, और एक केक है वो मैं आपको शो करती हूँ। थैंक यू डियर, सिंपल डिजाइन मैंने बताया है आपको, और जरूरी नहीं कि काफी हेवी डिजाइन में ही केक सुंदर दिखे, सिंपल डिजाइन में भी आप बहुत अच्छे बना सकते हो। तो आपको कैसे लगा आज का केक, ये और ये मुझे कमेंट में बताइए। शायद इसका टेक्सचर प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, बट मैं अगर क्लोजअप में दिखाऊंगी तो इसका टेक्सचर प्रॉपर दिखेगा। थोड़ा क्लोजअप में देखिए, है ना, इसका टेक्सचर दिख रहा है आपको। ये है हमारा आज का डेरी मिल्क चॉकलेट केक, आप भी ट्राई कीजिए। देन हम ये है, इसको भी मैं क्लोजअप में थोड़ा दिखाती हूँ, इसको भी मैंने सेम टेक्सचर दिया है आज। ये है रसमलाई केक, सी है ना, सिंपल सिंपल बनाया है। और एक मैं केक दिखाऊंगी, ये है हमारा रसमलाई केक, फिर से सेमी फॉन्डेंट में बनाया है। हाउ इज इट, कैसे लग रहा है आपको? सो इसलिए आज मुझे थोड़ा लेट हो गया, ये रीजन था। सो आज के हमारे ये तीन केक। किसी को कुछ पूछना है, कुछ क्वेरीज है आपकी? कुछ क्वेरीज होगी सो फटाफट पूछिए। जैसे मैं अभी 5 मिनट्स लाइव रहूँगी, नेक्स्ट लाइव सेशन शायद कल रहेगा मेरा लाइव सेशन, मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाती हूँ क्योंकि कभी भी ऑर्डर्स रहते हैं, अगर अर्जेंट ऑर्डर है सो मुझे लाइव आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कितने केजी का है केक ये वाला? दिस वन प्रचिति ये है 2.5 केजी में आएगा। सॉरी 2 केजी का है ये। ओके, फ्रेश कलर सेमी फॉन्डेंट, बहुत बढ़िया, थैंक यू डियर। और आजकल देखिए फॉन्डेंट केक भी चलते हैं, ऐसा नहीं है, बट लोगों को फॉन्डेंट थोड़ा कम अच्छा लगता है, तो आप इस तरह से भी बना सकते हो। ओके, सो होप सो आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो गई है। अगर किसी की क्वेरीज का मैंने आंसर नहीं किया है सो मैं कमेंट में ही रिप्लाई करूंगी। हाँ रहेगा ना डियर, अगर आप प्रॉपर वे से फॉन्डेंट को बनाओगे सो रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। 3 केक सुपर मैम, थैंक यू डियर। जूस क्या ऑयल वाटर लेमन जूस इंस्टेड ऑफ योर यस यस पवन जी,
आप गुड़ का यूज कर सकते हो, लेमन जूस यूज कर सकते हो अगर इवेपोरेक्स नहीं है तो। ओके, 1600 है फॉन्डेंट के क्लास की फीस, ठीक है। उसमें देखिए अभी जैसे रेनी सीजन है, रेनी सीजन में काफ़ी लोगों को दिक्कत आता है कि फॉन्डेंट को कैसे ड्राई किया जाए। सो वो टेक्निक स्पेशली मैंने बताया है ये फॉन्डेंट वर्कशॉप में कि आपको किस तरह से रेनी सीजन में, अदर सीजन में किस तरह से आपको ड्राई करने हैं। और ये देखिए ये फॉन्डेंट्स के बनाए हुए ये ऐसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं एक बार प्रॉपरली अगर ड्राई हो जाएंगे तो। और इंस्टेंट ड्राई कैसे करना है, अगर आपको बहुत जल्दी है और एक घंटे में आपको ड्राई करना है सो कैसे करोगे, जनरली नहीं होता है एक घंटे में आपके फॉन्डेंट कैसे ड्राई नहीं होते हैं। सो इसे कैसे करना है ड्राई वो मैंने सिखाया है। सो ये लाइफ टाइम के लिए है, मेरा सपोर्ट है, व्हाट्सएप का सपोर्ट रहेगा, गौरी का भारद्वाज यू टीच वेज फॉन्डेंट। यस डियर, मेरे क्लास में फॉन्डेंट की भी रेसिपी है वेज फॉन्डेंट, ठीक है। वेज फॉन्डेंट ये आप 15 डेज तक ही यूज कर सकते हो, बना के 15 डेज तक स्टोर करके रख सकते हो। ओके सो चलो बाय बाय, टेक केयर एंड होम, हो सकता है मैं कल आऊँ, ठीक है। सो स्टे ट्यून, चलो बाय बाय। और बताइएगा कि केक्स कैसे लगे आपको, वीडियो को शेयर कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, ओके, ताकि आपको और अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस, चलो बाय बाय।